गैस किचन। आज मैं आपको छोले कुलचे बनाना बताऊंगी। छोले कुलचे दिल्ली के बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पे बनाना बताती हूँ। छोले कुलचे बनाने के लिए मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है। अब मैं इसके अंदर गुनगुना हाफ कप पानी ऐड कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून में चीनी ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे बूरा चीनी ली है, आप इसकी जगह साबुत चीनी भी ले सकते हो। 1 टेबल स्पून मैंने ड्राई ईस्ट लिया है। अब इसे अच्छे से मिला दीजिए। अगर आपके पास कम टाइम है और जल्दी बनाना है तो ईस्ट की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। अब मैं ढक्कन बंद करके 15 मिनट के लिए गर्म जगह पर रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से एक्टिव हो जाए। कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले मैं डो लगाकर तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। हाफ टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, 2 टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए कितना फल्पी बनके तैयार हुआ है। इस तरह का बनकर तैयार होना चाहिए। ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। इसका ज्यादा टाइट और ज्यादा लूज डो बनाकर तैयार नहीं करना है, हल्का सा चिपचिपा डो तैयार करना है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर गुनगुना पानी डालूंगी। ये देखिए इस तरह का डो लगाकर तैयार करना है, कितना मुलायम है ये। अब मैं इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल और डाल देती हूँ। इस तरह से ऑयल लगाकर चिकना कर लीजिए। इसी डब्बे में मैं भरकर बंद करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपके पास ऐसा डिब्बा नहीं है तो आप पॉलीथिन में डाल लीजिए। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मटर लिए हैं। इसे मटर कुलचे भी बोलते हैं और छोले कुलचे भी बोलते हैं। बोलते इसे छोले कुलचे हैं और इसमें लिया मटर जाता है। तो मैंने मटर को रात भर पानी में भिगो दिया है। अब इसे मैं 4 सीटी आने तक बॉईल करूंगी। मटर को मैंने 3-4 बार पानी में वॉश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ। अब इसे 4 सीटी आने तक पकाना है। फ्रेंड्स 1-1.5 घंटा हो गई है। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कैसा बना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले से डबल हो गया है। मैंने इस डिब्बे के अंदर डालकर रखा था पर ये फूलकर बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब मैं देखती हूँ कैसा बन के तैयार हुआ है। ये देखो आप, दिख रही है आपको कितनी अच्छी जाली बन के तैयार हुई है। ये देख लीजिए, इसे हल्के हाथों से इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा और मसल लेना है। कुलचे के आटे को ज्यादा दबाव देकर अच्छे से नहीं लगाना है, जिस तरह से अपन रोटी का डो लगाते हैं इस तरह से नहीं लगाना है, बस हल्के हल्के हाथों से। पहले भी मैंने ज्यादा नहीं लगाया उसको, अभी भी मैं इसे ज्यादा लगाकर तैयार नहीं करूंगी। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से चलाते रहिए। ये देखिए इस तरह से, आपको थोड़ा सा गीला लगे तो हल्का सा मैदा और डाल लीजिए ऊपर और फिर इसे अच्छे से मसल लीजिए। ये देखिए इस तरह का बनाकर तैयार करना है। अब मैं आपको कुलचा बेलना बताती हूँ। कुलचे बेलने के लिए थोड़ा सा डो उठाना है, आप अपनी पसंद के अनुसार मोटे या पतले भी रख सकते हो। इस तरह की लोई बनाकर तैयार कर लेना और थोड़ा सा मैदा छिड़क लेना।
आप इसे ओवल शेप या राउंड शेप में किसी भी तरह से बेल सकते हो। ये देखिए इस तरह से बेलकर तैयार करना है। अब मैं इसके ऊपर पानी लगाऊंगी, हल्का हल्का पानी लगाना है। मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप कसूरी मेथी डाल लीजिए। इस तरह से हरा धनिया लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे पैन लिया है और इसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। पैन के अंदर घी या बटर कुछ भी नहीं डालना है। कुलचे को ऐसे ही पकाना है। कुलचे को हाथ पे उठाना है और उठाकर जिस तरफ पानी लगाया था ये साइड नीचे करनी है। इस तरह से इसके ऊपर डालना है और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे बंद करके 1 से 2 मिनट तक पका लीजिए। बंद करके पकाने से कुलचे बहुत ही मुलायम बनते हैं। आप इसे खुले में भी पका सकते हो, पर मैं यहाँ बंद करके पका रही हूँ। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स उठने लग गए हैं। अब इसे दूसरी साइड से पलट दीजिए। ये देखिए दूसरी साइड से और चेक कर लेते हैं कैसा पका है। इसको ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पकाकर तैयार करना है। इस टाइम कुलचे को पकाते हुए ऑयल और घी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे ही पैन के अंदर पकाना है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह का पकाकर तैयार करना है, ज्यादा नहीं पकाना है। और बटर लगाकर मैं बाद में पकाऊंगी जब परोसूंगी तब। इस तरह से मैं सारे कुलचे पकाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे कुलचे तैयार कर लिए हैं। 2 कप मैदा से मेरे 7 कुलचे बनके तैयार हुए हैं। अब मैं इसे किचन टॉवेल से ढककर रख देती हूँ ताकि ये ठंडे नहीं हो। अब मैं मटर को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए मटर अच्छे से उबल कर तैयार हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। मैं दबाकर दिखाती हूँ आपको। आलू मेसर से थोड़ा सा इसे मेस करना है, ज्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा मेस करना है। ये देखिए इस तरह से हल्का सा मेस कर लीजिए और गैस अभी चालू है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं छोले बनाकर तैयार कर लेती हूँ। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में ये बॉईल किए हुए मटर डाल दिए हैं, कटे हुए प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक, मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर थोड़ा ही डालना है, थोड़ा सा इमली का जूस, जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार सादा नमक, नमक थोड़ा ही डालना है, पहले बॉईल किया तब भी डाल दिया, थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया, कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल देती हूँ। छोले किसी को ऐसे ही पसंद है और किसी को फ्राई करने पर पसंद आता है, तो मैं थोड़ा सा आपको फ्राई करके और दिखा देती हूँ। छोले को फ्राई करने के लिए आयरन का तवा होना चाहिए, नॉन स्टिक तवे पे नहीं करना है। और इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके ऊपर छोले डाल देती हूँ और इसे
करके हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। ये देखिए इस तरह से फ्राई करना है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं कुलचे को सेक लेती हूँ। कुलचा सेकने के लिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा लिया है। अब मैं इसके ऊपर घी ऐड कर देती हूँ। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हो। अब इस तरह से एक कुलचे को उठाना है, इस तरह से दोनों तरफ घी को लगाते हुए इसे पकाना है। ये लीजिए हमारा कुलचा पककर तैयार हो गया है। अब मैं इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारे छोले कुलचे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं प्लेट के अंदर सर्व कर देती हूँ। छोला डाल देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर देती हूँ। अब आपको मैं कुलचा तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट कुलचा बनके तैयार हुआ है। आप देख पा रहे हो अंदर से कितनी अच्छी जाली बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट कुलचे बनके तैयार हुए हैं। हमारे छोले कुलचे की प्लेट बनकर रेडी हो गई है। आप भी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। बिल्कुल बाहर जैसा बनकर तैयार हुआ है। आप भी बनाइए और मुझे भी बताइए कैसी बनी है रेसिपी।